जब से सोशल मीडिया पर यह बात फैली है कि सोनी टीवी अपने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के साथ टीवी की दुनिया में वापस आने वाला है, तब से संगीत के शौकीन बहुत ही खुश हैं। एक लंबे लॉकडाउन ब्रेक के बाद फिर से कुछ नया देखने को मिलने वाला है और सोनी टीवी के लिए इंडियन आइडल शुरू से ही फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि जब भी शो आता है अपने तय समय से ज्यादा समय तक ही चलता है और शो को दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं, जिससे शो की टीआरपी भी बम्पर आती है। अब शो शुरू होने वाला है तो इसको लेकर के बातें भी शुरू हो चुकी हैं कि इस वाले ब्रांड न्यू सीजन में क्या नया होने वाला है। तो जहां तक सूत्रों की माने, शो के मेकर्स नहीं चाहते कि किसी में भी कुछ बदलाव हो। एंकर वही है, शो को ऑर्गेनाइज्ड करने वाली टीम भी वही है, शो में ऑर्केस्ट्रा वही है, पर एक चीज पर संशय अभी है कि क्या तीसरे जज के रूप में मेकर्स का निर्णय क्या होगा, क्योंकि विशाल ददलानी और नेहा कक्कड़ क्योंकि कोई और सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो दोनों तो पक्का इस सीजन में दिखेंगे। पर तीसरे जज के लिए दो नाम है, पहला अनुभवी अनु मलिक और दूसरा हिमेश जी। दोनों को ही पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है, दोनों का ही अंदाज अलग है, दोनों म्यूजिक कंपोजर्स हैं, पर शो के मेकर्स क्या अनु मलिक, जो उनके साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हें लेंगे या फिर से हिमेश जी की एनर्जी हमें शो में दिखने मिलेगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय बताइए, आप हिमेश जी और अनु मलिक में से किसे तीसरे जज के रूप में देखना पसंद करेंगे? और हाँ, टीवी और बॉलीवुड दुनिया से रिलेटेड ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड झमेला। शुक्रिया।